हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं गोरिका, आई होप आप सब सही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे एक बहुत ही इमेजिंग फेशियल शेयर करने वाली हूं जो आप सर्दियों में कर सकते हो। उससे क्या होगा कि आपकी स्किन जो होगी वो रूखी सूखी नहीं होगी। जैसे सर्दियों में गर्म पानी हम यूज करते हैं तो हमें ज़्यादा गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारी स्किन जो होती है वो रूखी सूखी हो जाती है। तो आज जो मैं आपको फेशियल बताने वाली हूँ वो आप सर्दियों में कीजिए तो आपकी जो स्किन की प्रॉब्लम है, जैसे स्किन बेजान हो जाती है, चेहरे पर बिल्कुल भी चमक नहीं रहती है, तो ये प्रॉब्लम आपकी इस फेशियल से खत्म हो जाएगी। तो सिर्फ ये मैं आपको फेशियल सिर्फ दो स्टेप में बताने वाली हूँ और इसमें कुछ ज्यादा सामान की जरूरत नहीं है। ये सब हमारे घर में ही सामान मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसे इसको जितना इसको यूज करना आसान है इतना ही इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो फ्रेंड्स देखिए, हम सबसे पहले एक बॉल लेंगे। उस बॉल में हमें लेना है थोड़ा सा कॉफी पाउडर लेंगे। उसके बाद हमें लेना है ये देखिए टोमेटो, इसमें हम थोड़ा सा टोमेटो का जूस डाल लेंगे। डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इससे ये हम तैयार कर रहे हैं स्क्रब। सबसे पहले स्क्रब करेंगे और स्क्रब जो करना है हमें बहुत ही हल्के हाथ से करना है, तो टाइट टाइट नहीं ऐसे फेस पर रगड़ना है। इससे क्या होगा, अगर आप टाइट टाइट करेंगे तो आपकी जो स्किन होगी वो डैमेज भी हो सकती है। गर्म पानी से हम अपना फेस साफ कर लेंगे स्क्रब करने के बाद। देखिए अब हमारा स्क्रब हो गया है। अब इसके बाद जो हमारा ये जो बॉल है इसी के अंदर थोड़ा सा कॉफी पाउडर और डालेंगे। इसमें हमें डालना है हनी, थोड़ा सा हनी। इतना बहुत है, आधा चम्मच के करीब हम डाल लेंगे। अब इसमें हमें डालना है थोड़ा सा नींबू का रस और थोड़ा सा गुलाब जल। डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको अपने फेस पर अप्लाई करेंगे। ये जो फेस पैक है ये बहुत ही इमेजिंग है। सर्दियों में फ्रेंड्स आप इसको यूज करेंगे तो आपकी स्किन में जो सर्दियों में प्रॉब्लम होती है, जैसे खिंची खिंची सी लगने लग जाती है और नोज के इधर इधर थोड़ी सी खुश्की सी आ जाती है, ये सब प्रॉब्लम सब खत्म हो जाती है इससे, इस फेस पैक से। और सर्दियों में जैसे चेहरा कुछ भी हम लगाते हैं कोल्ड क्रीम वगैरह, हमारा जो फेस होता है वो हमारा ब्लैक हो पड़ जाता है। सर्दियों में सभी का कलर ब्लैक हो जाता है, लेकिन इससे ये जो अगर आप ये रेगुलर यूज करेंगे सर्दियों में, कम से कम आपको एक हफ्ते में दो बार तो यूज कर ही लेना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो स्किन होगी वो काली नहीं पड़ेगी और आपके चेहरे पर निखार रहेगा। आप इसे यूज करके देखिए फिर मुझे रिजल्ट बताइएगा इसका। फ्रेंड सिर्फ एक ही बार करने से आपको ग्लो नजर आ जाएगा। अब इसको हम 10 मिनट तक ऐसे ही सूखने देंगे। देखिए फ्रेंड्स 10 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए ये सूखने भी लगा है। अब हम इसको गर्म पानी से साफ कर लेंगे। गर्म पानी लिया हुआ है इसमें, या तो आप कॉटन से साफ कर लीजिए या इसको फेस वॉश कर लीजिए थोड़े हल्के गुनगुने पानी से। तो फ्रेंड्स मैं फेस साफ करके आती हूँ। देखिए फ्रेंड्स मैं फेस वॉश करके आ गई हूँ, देखिए है ना ग्लो मेरे चेहरे पर। अब हम करेंगे आखिरी स्टेप, हम लेंगे थोड़ा सा कोकोनट ऑयल, थोड़ा सा ही लेना है, और इसमें थोड़ा एलोवेरा जेल। अब दोनों को मिक्स करेंगे और अपने फेस पर लगा लेंगे।
तो फ्रेंड्स ये था हमारा सर्दियों का फेशियल, तो इसको आप जरूर ट्राई कीजिएगा। और यदि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। अब तक के लिए बस इतना ही, बाय बाय।